डॉक्टर स्पेक्ट्रा में चंद्रकांत जी का ऑडियो फीडबैक शेयर करने जा रहे हैं, जो कि 58 इयर्स के और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इनको टिनाइटिस का प्रॉब्लम पिछले 4-5 साल से था, जिसकी वजह से इनको सर में भारीपन होता था, कान में भारीपन होता था, नींद आने में दिक्कत होती थी, शोर चुभता था और इनको सुनने में भी दिक्कत थी और कान में दर्द भी होती थी। हमसे ट्रीटमेंट लेने के बाद अब इन्हें 75% आराम है। आइए इनका ऑडियो फीडबैक बहुत ध्यान से सुनते हैं और इनका टिनाइटिस का जर्नी जानते हैं। कान जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना ऑडियो फीडबैक देने के लिए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी सर, शुक्रिया सर अपना ऑडियो फीडबैक देने के लिए। थैंक यू सर। आप थोड़ा सा बताएंगे आपकी उम्र क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं 58 ईयर ओल्ड हूँ और नंदुरबार से बात कर रहा हूँ। ओके, महाराष्ट्र, नंदुरबार महाराष्ट्र। ठीक है सर, आपको टिनाइटिस प्रॉब्लम कब से हुआ और आपने कहाँ कहाँ दिखाया इसके लिए? मेरे को 4-5 साल से प्रॉब्लम था ये। हाँ जी। और मैंने हमारे महाराष्ट्र में कम से कम 3-4 बड़े हॉस्पिटल दिखाया मैंने। चेंबूर में, मुंबई के पास में चेंबूर है वहाँ पे। हाँ जी। सूरत गुजरात में। ओके। और धुलिया, नंदुरबार, नासिक। ओके। इसके लिए मैंने होम्योपैथी, एलोपैथी, उसके बाद में एक्यूपंक्चर, ये सब ट्रीटमेंट किया था। ओके। तो उस ट्रीटमेंट से आपको क्या रिजल्ट्स मिले? वो ट्रीटमेंट से रिजल्ट कुछ ही मिला नहीं। ओके। तो डॉक्टर्स आपको क्या कहते थे इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जब आप उनके पास जाते थे? हाँ, तो उनका वो ये तो अभी आपको हेयरिंग एयर लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैंने तो कुछ लिया ही नहीं। अच्छा। ओके। तो आपको हमारे बारे में कैसे पता चला सर? आपका एक ऑडियो मैंने ऑडियो वीडियो यूट्यूब पे देखा था। ओके। तो मैंने मेरे जैसे सेम क्या थे, मुंबई में थे इकबाल राज करके। अच्छा। तो उनका ना मेरा संपर्क कॉन्टेक्ट था इसके बारे में। अच्छा। जो आपको कुछ मिला तो मेरे को बताओ, मेरे को कुछ मिलेगा तो आपको बताऊंगा। हाँ। तो मैंने उनको बताया था इकबाल राज ने, उन्होंने लिया, उसके बाद में मैंने 1 महीने के बाद में लिया अपना फिर भी तब पता। अच्छा। ओके। तो जब आपने हमारे से ट्रीटमेंट लेना शुरू किया तो आपको सबसे पहले किन चीजों में आराम आना शुरू हुआ था? जब आपने हमसे ट्रीटमेंट शुरू किया तो पहले कुछ महीने किन चीजों में आपको आराम आने लगा था? नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं था। मैंने खाली सर जो भारीपन आता था सर में, तो वो अभी हल्कापन हो गया है अभी पूरा। अच्छा। थोड़ा ऐसा महसूस नहीं होता है आवाज, फिर भी 35% है अभी प्रॉब्लम। ओके। 35% प्रॉब्लम है अभी। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको 75% क्योर बेटर लग रहा है पहले से? हाँ, बेटर तो है मैडम, क्योंकि वो सर का जो भारीपन था ना वो कम हो गया, अभी हल्का हो गया, इसके लिए अच्छा लगता है और ऐसा महसूस नहीं होता चिंतित का प्रॉब्लम है। ओके। और आपका अभी जो गो, जब याद आ जाती है तो फिर आवाज वो तो सर जब याद आ, क्योंकि आवाज अभी है ना सर, तो आप कभी भी ढूंढेंगे तो आपको मिलेगी। अगर आप बिजी रहेंगे, कुछ होगा तो आपको परेशान नहीं करेगी जैसे पहले करती थी। हाँ, पहले से परेशानी नहीं होने को ना खाली। हाँ जी, हाँ जी। सर, आपका रात का नींद भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता था, तो अभी उस सब में कैसा है? अभी बेटर है, बेटर। रात को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, सब नींद भी अच्छी लगती है। ठीक है। तो अगर मैं 100 में से पूछूं तो कितना परसेंट आराम है आपको? वो भी 75% आराम। ठीक है सर। सर, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी, जैसे इस टाइम आपको बहुत सारे पेशेंट सुन रहे होंगे जो शायद खुद परेशान होंगे, उनके घर वाले परेशान होंगे, तो आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड या अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं? आपका जो थेरेपी जो प्रोग्राम है वो बहुत बढ़िया है और सभी ने इसका यूज करने को होना जिन्हें कोई चिंता का प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे कम होता है और जो साइकोलॉजिकली जो डिस्टर्ब होता है वो पूरा मुझे ये हो जाता है, पूरा नील हो जाता है। हाँ जी, ठीक है सर। तो जैसे आपको हम लोग ने बोला था आपको कॉल सर्विसेज आएंगे, वो आपको टाइमली, या उसके आप थोड़ा सा फीडबैक देना चाहेंगे? आपको टाइमली आते थे,
आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई सर उसमें? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर।